हरियाणा सरकार में नए शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए जानते हैं महिपाल डांडा किस तरीके से, क्या दृष्टिकोण लेकर अपना मंत्रिमंडल संभालेंगे और हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था में कितना बदलाव हमें देखने को मिलेगा। महिपाल जी, पहले तो बड़ा विभाग मिला है आपको, शिक्षा विभाग। एक कहते हैं कि अगर शिक्षा अच्छा हो तो प्रदेश हो, परिवार हो, सब फलता फूलता है। क्या रणनीति, क्या रूपरेखा लेकर आप उतर रहे हैं और अपने मंत्रालय के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय नायब सैनिक जी की नेतृत्व में, उनकी देखरेख में हमें जो एजुकेशन में काम करने का मौका मिला है, उस सारे काम को समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पिछली बार मुझ पे कोऑपरेटिव और पंचायत विभाग था, भले ही 51-52 दिन के लिए मिला, मगर उसमें हमने सूझबूझ के साथ कुछ बड़े फैसले किए जो बड़े निर्णायक भी रहे और हमारी सरकार भी रिपीट कर गई। मैं बड़ी बात लोगों की तरह करता नहीं, मगर एक बात जरूर कहूँगा कि जो हमारी पीढ़ी के लोग थे, हमने बहुत सारी कमियों में, बहुत सारे अभाव में, संसाधनों के हम पड़े, और जो हमसे भी पुरानी पीढ़ी थी वो और भी ज़्यादा संसाधनों के अभाव में पड़े हैं, मगर हमारे बच्चों को उन संसाधनों की कमी ना रहे, इस पे फोकस करके अपने कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं वो बढ़ाऊँगा। देखिए, अच्छी एजुकेशन के बिना, जैसे आपने कहा, कुछ भी संभव नहीं है। जब कुछ भी संभव नहीं है तो उसी चीज़ को थोड़ा पेन लेके, थोड़ा समझ के और अपने सहयोगी साथियों के साथ, अपने अधिकारी कर्मचारी टीचर्स के साथ हम लोग बैठ के देखेंगे कि हमें किस चीज़ की नीड है, ज़रूरत किस चीज़ की है, उसका पूरा करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने स्कूल में माहौल दे दिया बढ़िया, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, हमारे स्कूलों का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक अच्छा है। जहाँ पर इंफ्रा की कोई कमी है तो उसको दूर करना ये प्रायोरिटी है। हाईटेक से हाईटेक कैसे स्कूल बने, उसके लिए जिस भी संसाधन की आवश्यकता हम उसको पूरा करेंगे। एक अहम सवाल ये कि निजी स्कूल और सरकारी स्कूल में हमेशा एक ऊंच नीच का ये भेदभाव हमने देखा है, किस तरीके से बड़े लोग अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, वहीं मध्य वर्ग के परिवार, गरीब घर के लोग सरकारी स्कूल में भेजते हैं। ये अंतर क्या महिपाल डांडा खत्म कर पाएंगे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पंजाब में, दिल्ली में एक शिक्षा का रोल मॉडल पेश कर रही है, अपने शिक्षकों को विदेश भेज रही है ट्रेनिंग के लिए, महिपाल डांडा को जो मंत्रालय मिला है उसमें क्या हम आने वाले दिनों में ये दिखेंगे कि नई शिक्षा नीति, एक नया रोल मॉडल, एक नया एटमॉस्फेयर, ताकि बच्चे घरों से निकले, स्कूल में शिक्षित हों और योग्य बन सकें? जिनका आपने नाम लिया ये तो ड्रामा करते हैं, हमारे किसी स्कूल के बराबर में लिया हो। चलो मैं कहता हूँ कि जिस तरह का स्कूल की बात कर रहे हैं ना, आओ हमारा, मैं दिखाता हूँ आपको हरियाणा के स्कूल, इनसे भी ज़्यादा बढ़िया, रिजल्ट भी इनसे ज़्यादा बढ़िया। ये मीडिया में इधर उधर जो एक अफवाह पेल के रखते हैं वैसा नहीं है, यहाँ पे भी मैं गया हूँ, देख के आया हूँ ऐसे स्कूल। ये जरूर कि ना 20-25 स्कूलों में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और क्या दिया है मुझे ये तो बताइए ना, क्या दिया? और जो इंफ्रा दिया उसमें भी जो मैं संसाधनों की बात करी वो दिया, एक एक LED 40,000 रुपये का सिंपल प्रोजेक्टर लगा कर ना, उसके 20 लाख रुपये चढ़ा दिए, 2 लाख चढ़ा दिए, 3 लाख चढ़ा दिए, अलग अलग चीज़ के 20-20 हज़ार की चीज़ के, तो खाने का धंधा बनाया इन्होंने।
उससे ज़्यादा अच्छे हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट, आप देखो जाके हमारे स्कूलों के अंदर। तो वो हर चीज़ में से निकालते हैं कि भाई कैसे हमारी जेब में जाओ है, हम ऐसे काम नहीं करते। हमारी सरकार ने और हरियाणा में सदा से एक अच्छा माहौल देने की कोशिश रही है, चाहे कोई सरकार रही हो, मैं इसमें वो नहीं करता। क्योंकि मुझे कल मिला तो मैंने देखा है कि भाई किस किस ने क्या क्या किया है, सब ने अपने प्रयास किए हैं, किसी ने थोड़ा कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। मगर मैं तो ये कहूँगा कि भाई हमारे टीचर अच्छे हैं, जहाँ पर अच्छे टीचर हों उनको माहौल देने की ज़रूरत होती है कि अच्छा माहौल मिले। अगर आपके पास बच्चे हैं तो अच्छे माहौल में, अच्छे एटमॉस्फेयर में जब बच्चे आएंगे पढ़ेंगे वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भाई हम लोग पहली दृष्टि से एक बार पूरे हरियाणा का जो एजुकेशन का सिस्टम है उस सिस्टम को एक बार ज़रा समझ लें। मैं पहले ही बैठते को बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि एजुकेशन को लेके सब लोग अब थोड़ा सावधानी से चलें, अब आलस्य वाला मामला ना करें अधिकारी भी, और जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसमें तेज़ी लेके आए हैं, क्योंकि इन बच्चों के भविष्य के दम पे ही हम लोग भारत को